नए साल की शुरुआत आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और बहुत सारी जो भी विशेष आपकी हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो सभी आप सभी की पूरी हों। इसी कामना के साथ आज मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। साल 2023 का हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, साथ ही हम सभी इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 2023 में हमारे लिए कौन कौन से खजाने छुपे हैं, कौन कौन सा रहस्य छिपा है, हमारे जीवन में कौन सा चमत्कार घटित होने वाला है, कौन से सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। इसी सपनों की श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा उपाय। साल 2023 के 2 जनवरी को आपको ये महा उपाय करना है। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में सदैव ही सुख और समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ हम इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच जाए। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव को तिल और जौ जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है। नंदी भगवान शिव की अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन नंदी बैल को घास खिलाना बहुत ही अच्छा होता है, इससे सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहने। आज के दिन मंदिर में जाकर साड़ी पूजा करें, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति मिलेगी। दरिद्रता को दूर करने के लिए सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में दरिद्र धन स्रोक्त का पाठ करें। ऐसा करने से गरीबी दूर होती है। सोमवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से भी घर में सदैव मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर कोई विशेष कामना है तो इसके लिए सोमवार को 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें और उसके बाद शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। आज के दिन यानी कि चंद्रदेव चंद्रशेखर स्रोक्त का पाठ करें। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है और किसी भी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा मजबूत होता है तो इसका मतलब है वो हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज का जो महा उपाय है वो इस तरह है। भोलेनाथ मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। ऐसे में आज के दिन एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत के द्वार को खोल सकता है। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो सोमवार की रात को चांद निकलने के बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील को ठोक दें। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चांदी की कील छोटी या बड़ी आप रख सकते हैं। इस क्रिया से घर के आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और साथ में जो है ना आपके ऊपर जो भी विघ्न बाधा के दोष होते हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।